चिल्काना पुलिस में LIU की टीम ने लूट की वारदात में शामिल दो शातिर लुटेरों को दबोचकर उनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल व कुछ रुपए बरामद किए हैं। वारदात में शामिल गैंग लीडर के सिर पर SSP ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और SPCT के नेतृत्व में टीम का गठन कर वारदात में शामिल दोनों लुटेरों को पकड़ने के लिए मैदान में उतारा है। शातिर लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली टीम को SSP ने 5,000 रुपए का इनाम दिया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को चिल्काना निवासी मोनू कुमार रात्रि में जब पठेड़ गाँव से गुजर रहा था तो 4 बदमाशों ने घात लगाकर उसे घेर लिया और उस पर तमंचे की बट से हमला कर उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व कुछ नकदी लूट ली थी। लूट की वारदात का खुलासा करने के लिए SSP उपेंद्र अग्रवाल ने SPCT प्रबल प्रताप सिंह को टास्क सौंपा था। SPCT ने चिल्काना कोतवाल अरुण सिंह व LIU की टीम को बदमाशों की तलाश में लगाया। पुलिस टीम ने दो संदिग्धों को जब दबोचा तो उन्होंने लूट की घटना में अपना हाथ होना कबूला। आज शहर के SPCT प्रबल प्रताप सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि शेरपुर मिर्जापुर निवासी नौमान उर्फ मन्नी व दिलशाद उर्फ दिल्ला को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, तमंचा, चाकू व कुछ रुपए बरामद किए। SPCT ने बताया कि लुटेरों ने खुलासा किया है कि लूट की इस वारदात में उनके साथ गैंग का सरगना बिलाल व असलम भी था। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं SSP ने गैंग लीडर बिलाल के सिर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, 16/10 में पठेड़ थाना चिल्काना में एक आचरण पड़ता है जहाँ पर 4 लोगों के साथ 4 बदमाशों ने लूट की वारदात करी थी, जिसमें एक बाइक लूटी गई थी तथा मोबाइल लूटा गया था और कुछ पैसे लूटे गए थे। इसमें लूटी गई बाइक बाजार प्लेटिना और लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है। इस टीम में SHO अरुण कुमार सिंह और सर्विलेंस प्रभारी जरार हुसैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके नेतृत्व में ये 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है, नौमान और दिलशाद। ये दोनों बदमाश जो हैं मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, लगातार वारदात कर रहे थे। इनके साथ में असलम और उसका एक साथी जो चिल्काना का रहने वाला है, ये वारदात करने वाले थे और वारदात करने के बाद में इनके द्वारा इस मोडस ऑपरेंडी में वारदात की जा रही थी कि रात्रि के समय में घात लगा करके जो आश्रम या ऐसी जगह जो रोड साइड होती है वहाँ पर ये रोक करके वारदात करें। इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 अभी शेष हैं और इनके पास से एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद हुआ है। शेष मुलजिमान की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।